हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल ड्रीम डेस्टिनेशंस इंडिया। मैं हूं आपकी होस्ट अर्चना श्रीवास्तव और आपका स्वागत कर रही हूं श्रीनगर से। श्रीनगर में आज हमारा तीसरा दिन है और आज के दिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं एक बहुत ही अच्छी अनएक्सप्लोर्ड जगह दूध पत्ती से। ये मेरे पीछे आपको गेट दिखाई दे रहा है, बस इसी जगह से दूध पत्ती की सीमा शुरू हो जाती है। दूध पत्थरी, जिसका अर्थ है दूध की घाटी, जम्मू और कश्मीर के बडगाम जिले में स्थित एक बहुत ही सुंदर पहाड़ी स्थल है और ये स्थान अपनी नेचुरल ब्यूटी, हरे भरे बागान और जंगलों के लिए फेमस है। और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर नदियों का जो पानी है वो दूध जैसा सफ़ेद और शुद्ध होता है, शायद इसीलिए इसका नाम दूध पत्थरी रखा गया था। और ये स्थान श्रीनगर से 42 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, जहां तक आप टैक्सी से इजीली पहुंच सकते हैं। दूध पत्थरी काफी कुछ अनएक्सप्लोर्ड है, हालांकि आजकल बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया ये जगह लोग जानने लगे हैं इस जगह के बारे में और यहां पर आने लगे हैं। तो चलिए निकलते हैं आज के सफर पर। दूध पत्थरी के रास्ते पर आपको देखिए इस तरह की बहुत सारी शॉप्स मिलेंगी, जहां पर रुक करके आप मक्के की रोटी और सरसों के साग का आनंद ले सकते हैं। ये एक अनूठा स्वाद है, वैसे तो आपने बहुत जगह खाया होगा मक्के की रोटी सरसों का साग, लेकिन इस क्लाइमेट में, इस मौसम में, इस ठंड में जब आप थोड़ी देर रुक करके मक्के की रोटी खाते हैं तो मजा ही आ जाता है। और साथ ही साथ यहाँ की स्पेशल नून चाय, जिसके बारे में बताते हैं कि यदि वो आप पीते हैं तो आपकी सारी थकान छूमंतर हो जाती है। अब बस हम निकल रहे हैं मेन स्पॉट की तरफ और यहाँ से देखिए बिल्कुल घना जंगल स्टार्ट हो चुका है, ठंड भी थोड़ी थोड़ी बढ़ गई है और ये थोड़ा सा स्टीप है ये रास्ता, तो हम थोड़ा ध्यान से चलेंगे। अब हम लोग पहुंच चुके हैं पार्किंग एरिया में और अगर आप टैक्सी से यहां तक आए हैं या किसी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आप यहां तक पहुंचे हैं तो आपको अपनी गाड़ी यहां पार्क करनी होगी। इसके आगे का सफर जो जाता है शालीगंगा रिवर तक, वहां तक आपको 2-3 साधन मिलते हैं जिससे आप वहां तक पहुंच सकते हैं। एक तो ये है कि आप ATV राइड करें और या फिर आप घुड़सवारी करते हुए भी इन चारों तरफ की खूबसूरती का आनंद लेते हुए वहां तक पहुंच सकते हैं। हम चूंकि अपनी कार से ट्रैवल कर रहे हैं तो अभी हम डायरेक्टली वहां तक ड्राइव करके ही जा रहे हैं। आगे चलकर देखते हैं अभी हमें क्या कुछ और आगे ऑप्शंस मिलते हैं। और अब देखिए यहाँ से पूरी वैली कितनी ब्यूटीफुल नजर आ रही है। लोग घोड़े पर जा रहे हैं, कुछ लोग गाड़ियों से भी जा रहे हैं और ऐसे ही खूबसूरती का आनंद लेते हुए हम भी अभी आगे बढ़ रहे हैं। और अब देखिए ऊपर से यही रोड से होते हुए हम लोग नीचे आए हैं, कैसी टेढ़ी मेढ़ी रोड खूबसूरती से चलती चली जा रही है। और कहने की ज़रूरत नहीं है कि जब आप इन रास्तों पर होते हैं तो आप सब कुछ भूल जाते हैं और प्रकृति की गोद में कहीं खो जाते हैं। तो बस इन सुंदर नजारों के साथ अब हम पहुंचने वाले हैं एक दूसरे चेक पोस्ट पर या टोल पोस्ट पर, जहां से आगे यदि आप गाड़ी से जाना चाहते हैं तो आपको टिकट लेना पड़ता है, 100 रुपीज पर व्हीकल टिकट लेना होता है। तो हमने भी टिकट लिया और अब हम आगे निकलेंगे क्योंकि हम कोशिश करेंगे कि जहां तक हम अपनी कार से जा सकें वहां तक तो हम जरूर जाएंगे। और अब हम उस जगह पर हैं जिसकी तारीफ शब्दों में तो बयान नहीं की जा सकती है, इसको एक्सपीरियंस ही करना होगा। दूध पत्थरी से थोड़ा सा आगे करीब 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ये जगह है विच इज नोन एज शालीगंगा रिवर। ये जो नदी बह रही है इसको कहते हैं शालीगंगा रिवर। चारों तरफ बर्फ जमी हुई है,
यहाँ तक पहुँचने के लिए आप ये वाले शूज जरूर पहन कर आए, क्योंकि एक तो बर्फ, दूसरे कीचड़ और तीसरा पानी, तो उस रास्तों से होकर के जब आपको गुजरना होता है तो आपके नॉर्मल शूज आपको परेशान कर सकते हैं और खराब हो सकते हैं। एक और बात जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोली थी कि ये एक ऑफ बीट लोकेशन है, अनएक्सप्लोर्ड लोकेशन है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इतनी ज्यादा भीड़ है, ऐसा लग रहा है मानो कुंभ का मेला लगा हुआ है और काफी लोग आए हुए हैं। हम लोग अभी यहाँ पर कुछ देर बैठेंगे क्योंकि अच्छा बहुत लग रहा है, ठंड भी है। अभी मैंने थोड़ी देर को अपनी जैकेट रिमूव की है मगर ठंड काफी है और बहुत सारे लोग हैं जो बर्फ में खेल रहे हैं। तो चलिए थोड़ी देर इस जगह का आनंद लेते हैं, फिर वापस लौटेंगे। और कहने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पर आने के बाद यू विल नेवर बी डिसअपॉइंटेड। बहुत मजा आने वाला है आपको यहाँ पर। और अभी हम वहाँ ऊपर तक जाएंगे, काफी लोग जा रहे हैं उस तरफ भी, तो अभी हम भी उधर ही जाएंगे। दूधपत्री विंटर्स में फेमस है स्कीइंग के लिए भी। यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं स्कीइंग करने के लिए और यहाँ पर एक स्की रिसोर्ट भी है जहाँ पर आप ट्रेनिंग लेने के बाद स्कीइंग का मजा ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये जगह हर किसी के लिए आइडियल है और यहाँ पे जरूर आना चाहिए, घूमना चाहिए। पहले ये अनएक्सप्लोर्ड थी लेकिन अभी यहाँ पर दूर दूर से लोग आ रहे हैं और प्रकृति की इस अलौकिक खूबसूरती का मजा ले रहे हैं। दूधपत्री में भुट्टा खाने का अपना ही मजा है। दूधपत्री उन लोगों के लिए भी एक हॉट डेस्टिनेशन है जिन्हें ट्रैकिंग का शौक है। मेरे पीछे ये ट्रैकिंग के लिए पूरा ट्रेल बना हुआ है, दूधपत्री डिक्चल ट्रैक, जहां पर लोग आते हैं और समर्स में होता है ये, नॉट इन विंटर सीजन। तो यहां पर आए और ट्रैकिंग का भी आनंद आप ले सकते हैं। शाली गंगा रिवर के साथ दूधपत्री का हमारा ये सफर अब यहीं पर खत्म होता है। मुझे उम्मीद है प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ ये सफर आपको जरूर पसंद आया होगा। अब हम आपसे मिलेंगे अपने अगले एपिसोड में श्रीनगर या कश्मीर की एक और खूबसूरत लोकेशन पर। तब तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दें ताकि आने वाले एपिसोड के आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। साथ ही साथ अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। दिस इज योर होस्ट रचना श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ फ्रॉम दूधपत्री। बाय बाय, टेक केयर।